हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल में। मैं आपका दोस्त राज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैं आज आपको जो ख़राब हो जाते हैं अपने पास मोबाइल वगैरह, तो उनकी बैटरियाँ भी दूर दूर फेंक देते हैं। उनको फेंकने के बजाय उनको हम दोबारा कैसे यूज़ में ले सकते हैं, उनसे हम एक अच्छा सा पावर बैंक बना सकते हैं, जिससे हमारे मोबाइल चार्ज नहीं होने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम उससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, उनको बैटरियों को ऐसी बैटरियों को फेंके नहीं, उनको हम दोबारा यूज में कैसे ले सकते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, अभी आपको पावर बैंक बनाना सिखाता हूँ। दोस्तों, बैटरियों को लेकर के ऐसे इस तरह से सोल्डरिंग कर लें, दो वायर जोड़ लें। ये मेरे पास रेड कलर का वायर नहीं था, इसलिए मैंने वाइट वाला वायर पॉजिटिव का दिया है और ब्लैक वाला वायर नेगेटिव का दिया है मैंने। इसको सेम ऐसे करके आप जितनी बैटरी लगानी चाहो लगा सकते हो, 5, 6, 7, 8, 10 तक जितनी बैटरी आप लगाओगे आपका पावर बैंक उतना ही बैकअप देगा। दोस्तों, मैंने 3 बैटरियों को जोड़ा है, अभी इनको मैं आपस में चिपका लेता हूँ। दोस्तों, अभी इनको आपस में चिपका लूँगा ताकि ये इधर उधर नहीं होंगी। इस तरह से बैटरी को एक दूसरे के ऊपर चिपका देते हैं ताकि बैटरी एक जगह बनी रहे। ऐसे दोस्तों, इनको तीनों बैटरियों को हमने एक साथ चिपका लिया इस तरह से एक साइड से। अभी इनको चिपकाने के बाद इनको अच्छे से चिपका लें ताकि ये हिले डुले नहीं बाद में और एक जगह परमानेंट बनी रहे। इस तरह से दोस्तों, ये चिपकने के बाद अच्छे से जब चिपक जाए दोस्तों, इनका वायरिंग कर दें। इनका वायरिंग कैसे करना है, जितने भी पॉजिटिव हैं उनको एक साथ जोड़ना है, अर्थात वाइट वाले जो भी वायर हैं उनको एक साथ कनेक्ट कर देना है। जितने भी आप बैटरी की बनाने चाहो उतने की बना सकते हो। वाइट वाले को एक साथ कनेक्ट कर दिया, उसके बाद जितने भी ब्लैक वाले हैं उनको सबको एक साथ कनेक्ट कर दें, ऐसा करिए। इसके बाद दोस्तों, इनके साथ एक ऐसी एक लीड लेके उसको जोड़ दें। जैसा आपका मोबाइल चार्जर है उस हिसाब के आप उस हिसाब से लीड जोड़ सकते हो। ब्लैक वाला ब्लैक वाले के साथ जोड़ सकते हो आप, और रेड वाला जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के साथ जोड़ सकते हैं। अभी दोस्तों, हमारा ये पावर बैंक लगभग तैयार हो गया है। इसको हम एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं। ये मोबाइल है बिल्कुल, अभी कुछ चार्ज वार्ज नहीं लगा हुआ है, अभी इसको हम चार्ज लगा के चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, चार्ज कर रहा है, इसमें नाम आ गया अभी। ये देखो दोस्तों, इसमें चार्ज लगा हुआ है। हम वापस एक बार इसको बाहर निकालते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी चार्ज निकाला गया। अभी फिर से हम इसमें एक बार फिर चार्ज लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें फिर चार्ज कर रहा है। ऐसा करके हम दोस्तों, इसकी पावर कैपेसिटी कम है क्योंकि ये 3 ही बैटरी हैं, लेकिन ये फ़ोन के लिए काफ़ी है। लेकिन अगर आप इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी चाहो तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हो, और इसको अच्छे से चिपका करके इसको सेट कर लें ताकि ये हिले डुले नहीं। दोस्तों, इसके बाद इसके जो वायर वगैरह हैं उसको हम अच्छी तरह से सेटिंग कर दें ताकि इसके वायर एक जगह परमानेंट रहें। ऐसे करके दूसरे को भी सेम ऐसे ही एक जगह चिपका देते हैं। दोस्तों, इसको आप ऐसे सेट किए हैं, इसको हम दूसरे हिसाब से किसी डिब्बी में भी पैक कर सकते हैं, या इसको हम और भी अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, ये आपको एक डेमो के तौर पे था,
जो हमारा ये मिनी पावर बैंक तैयार हो गया, इसको हम और बड़ा बना सकते हैं, इसकी पावर कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारा कबाड़ से जुगाड़ बढ़ाने का वीडियो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं दोस्तों, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।